गाइस आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। यस ब्रो, मेरे पास यहाँ पे 20,000 का हेयर ड्रायर और अमीर बन गया भाई, अपन भी अमीर बन गया है। और मतलब बहुत सारे बंदे बोलते थे ना, कुछ नहीं कर पाएगा तू भाई, 20,000 का ड्रायर ले घूम रहा हूँ। बैड जोक। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं 20,000 का हेयर ड्रायर वर्सेस 800 का हेयर ड्रायर। तो यहाँ पर मेरे पास 800 वाला भी है और 20,000 वाला भी है, और हम इन दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं कि मतलब कौन सा बेहतर है। मतलब बेसिकली बेहतर तो यही होगा, लेकिन कि आपको ये वाला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर आपका जो काम है वो इससे भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर इसमें क्या फायदे हैं, क्या डिसएडवांटेज है, और इसमें आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। और बहुत सारे बंदे ये भी बोलते हैं ना कि भाई अगर हम एक महंगा हेयर ड्रायर लेते हैं ना, तो उसमें हमारे जो बाल हैं वो डैमेज ही नहीं होते, मतलब कम डैमेज होते हैं। तो बहुत सारे मिथ है लोगों के अंदर इस चीज़ को लेके कि महंगा हेयर ड्रायर हमारे बालों को डैमेज नहीं करता। तो सारी चीज़ मैं क्लियर आउट करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो लास्ट तक देखते रहना। बाय द वे, डोंट नो मी, माय नेम इज साहिल एंड आई एम हियर टू अबाउट मैन फैशन ग्रूमिंग। अगर आप इस ऐप पर नए हैं, उसको पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर अभी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप करना और इंस्टाग्राम फॉलो करना, मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। क्योंकि क्या पता कल मैं 50,000 का हेयर स्ट्रेटनर भी लेके आ जाऊँ, ज़्यादा फेंक दिया मैंने, सॉरी। सबसे पहले हम बात करेंगे पैकेजिंग की, इसकी पैकेजिंग कैसी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 800 वाले की, मतलब इसकी पैकेजिंग कैसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बॉक्स मिलता है, और बॉक्स को जैसे ही हम अनबॉक्स करते हैं, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एक हेयर ड्रायर मिलता है, और इसके बस हेयर ड्रायर ही मिलता है ब्रो, और कुछ भी नहीं मिलेगा, बाकी पूरा डब्बा खाली है और कुछ भी नहीं है इसमें। और बस यहाँ पर आपको हेयर ड्रायर मिलता है, ऐसा मत समझना कि मैं यूज़ कर रहा हूँ मैंने निकाल दिया होगा, कुछ भी नहीं है, बस एक हेयर ड्रायर है और ऊपर से एक नोजल लगी होती है बस, और वो भी हेयर ड्रायर छोटा सा है, आपके काम लायक हो जाएगा फिर भी। अब अगर हम बात करें ये 20,000 की हेयर ड्रायर की, इसकी पैकेजिंग कैसी है, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपने डब्बे से ही काफ़ी भड़काऊ लग रहा है, और कोई भी बंदा अगर इसको देखता है ना, तो देखते ही बोलेगा हाँ भाई है कुछ, मतलब महंगी चीज़ है ये। तो यहाँ पर अगर हम इसको अनबॉक्स करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहली बात तो इसका डब्बा ऐसे खुलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है, और इसके अंदर आपको यहाँ पर रखा होता है, देख सकते हो भाई मतलब क्या क्या माल इसमें रखा पड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका रखा होता है एक हेयर ड्रायर, जो कि मतलब बहुत बड़ा सा होता है, और इसकी वायर नहीं निकलेगी क्योंकि इसकी वायर इसके नीचे है, उसको भी निकालेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है एक डिफ्यूज़र, जो कि बाल को कर्ली वराई करने में काम में आता है, और बाकी मुझको इसका यूज़ ज़्यादा पता नहीं है। और यहाँ पर आपको मिल जाती है एक नोज़ल, मतलब बेसिकली नोज़ल एक नहीं, यहाँ पर आपको दो नोज़ल मिलती है, एक इसके अंदर पहले से लगी पड़ी है और एक येरी, दो नोज़ल मिलती है, एक डिफ्यूज़र और एक हेयर ड्रायर भी मिलता है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से अगर हम इसको हटाएं, तो बस ये मतलब पैकेजिंग के लिए रखा होता है। और यहाँ पर आपको एक लंबी सी वायर मिल जाती है, और इसके अंदर आपको गाइड वगैरह मिल जाती है, मतलब यू नो महंगा हेयर ड्रायर तो मतलब गाइड भी आपको पढ़नी पड़ेगी, कोई बात नहीं ब्रो हम नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी जो चीज़ें ना वो मिल जा 20,000 का है ब्रो, तो यहाँ पर आपको इतनी सारी जो चीज़ें ना वो मिल जाती है। और आप देख सकते हो कि यार मतलब 20,000 का जो हेयर ड्रायर है ना, इसकी जो पैकेजिंग है वो कितनी हार्ड है, और यहाँ पर अगर जो 800 वाली है इसमें सिर्फ आपको ड्रायर ही मिलता है, और बाकी आप इसको यूज़ करके अलग अलग हेयर स्टाइलिंग वगैरह बना सकते हो, मतलब महंगा तो कुछ तो फायदा होगा ही। अब अगर हम बात करें एयर की, यहाँ पर आपको कितनी एयर मिलती है, तो यहाँ पर 800 वाले में ना सिर्फ आपको एक ही एयर मिलती है, जो कि होती है हॉट, और उसको ना आप सिर्फ दो पॉइंट पर सेट कर सकते हो, मीडियम और हाई पे, बस इसमें आपको दूसरा कोई बटन नहीं मिलता, एक ही बटन होता है, और मीडियम हाई मेंटेन कर सकते हो। और अगर हम यहाँ बात करें 20,000 की हेयर ड्रायर की, तो यार इसमें ना आपको मतलब हॉट और कूल दोनों ही मिलती है, और यहाँ पर आप दोनों ही जो एयर है ना वो मेंटेन कर सकते हो मीडियम और हाई में, तो यहाँ पर आपको दोनों बटन मिल जाते हैं दोनों को कंट्रोल करने के लिए, जो कि इसमें काफ़ी अच्छी बात है, और प्लस यहाँ पर आपको बीच में ब्लू कलर का बटन भी मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब किससे चल सकता है, मतलब ये वाला जो हेयर ड्रायर है ना, ये है 1000 वाट का, और अगर आपको जो इन्वर्टर है वो ठीक ठाक है, मतलब अच्छा खासा है, तो ये आप इन्वर्टर से भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके यहाँ पर लाइट वगैरह ज़्यादा नहीं रहती है, और मतलब कई बार कट जाती है, तो उस टाइम पे अगर आप इन्वर्टर से इसको यूज़ करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, अगर आपका इन्वर्टर अच्छा खासा है तो। और अगर हम बात करें इसकी, तो भाई इसको ना इन्वर्टर से भूल के ही मत चला देना, क्योंकि ये है 2000 वाट का, और मतलब घर चला जाएगा आपका इसमें। तो बेसिकली यहाँ पर 2000 वाट का ये वाला है, अगर आप इसको इन्वर्टर से चला दोगे तो भाई ओवरलोड हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, आप इसको सिर्फ लाइट से ही चला सकते हो जब लाइट वगैरह होती है तो। खर्चील है बहुत है भाई। तो अब यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, भाई क्या सच में ये वाला जो हेयर ड्रायर है वो हेयर को कम डैमेज करता है या फिर ना के बराबर डैमेज करता है, और जो सस्ता वाला हेयर ड्रायर है वो डैमेज करता है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें 800 वाले हेयर ड्रायर की, तो यार यस, ये आपके बाल को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यार इसमें ना कोई भी फिल्टर और कोई भी कॉइल वगैरह नहीं है, और जैसे आप इसको यूज़ करते हो ना, और जो इसकी हॉट एयर आती है ना, वो सीधी मतलब हॉट एयर आती है, बिल्कुल वो फिल्टर नहीं होती इसमें, ना तो कोई कॉइल लगी है ना तो कोई फिल्टर लगा है, तो मतलब जो सीधा हॉट एयर आती है ना वो सीधा आती है, और आपके बालों को वो डैमेज करती है, दैट्स इट। और अगर हम यहाँ बात करें इस वाले हेयर ड्रायर की, यार ये वाला जो हेयर ड्रायर है, यस ये कम डैमेज करता है आपके बालों को, जैसे खुल जाओ, तो यस ये वाला जो हेयर ड्रायर ना, ये आपके बालों को कम डैमेज करता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें अगर आप झांक के देखो ना, झांक के तो क्या ही देखोगे, मतलब दिख जाएगा फिर भी, तो यहाँ पर ना सेरेमिक कॉइल्स लगी होती है, और जब भी आप इसका हीट का यूज़ करते हो तो जो एयर होती है ना वो प्योर होके आती है, मतलब फिल्टर होके आती है,
और वो सीधी एयर जो है ना वो आपके बालों में नहीं आती, और सेरेमिक कॉइल्स लगे होने की वजह से आपकी जो एयर है वो फिल्टर हो जाती है, और जैसे मतलब सीधी एयर होती है ना वो आपके बालों में नहीं लगती, और जिसकी वजह से आपके जो बाल है वो डैमेज भी नहीं होते, मतलब ना के बराबर डैमेज होते हैं। अब यस ब्रो, मतलब इतना महंगा ड्रायर तो कुछ तो होगा ही। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है कि आपके बालों को ना के बराबर डैमेज करता है, और ज़्यादा डैमेज बिल्कुल भी नहीं करता। और ये वाला जो हेयर ड्रायर, अगर आप इसकी हीट ना आप सीधा अपने मुँह पर मार दोगे ना तो भाई आपका मुँह जल जाएगा, बट अगर आप इसको हाई पे करके भी अगर आप इसको अपने मुँह पर मार दो ना तो आपका मुँह बिल्कुल भी नहीं जलने वाला, और यहाँ पर आपकी जो हेयर स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और मतलब इससे भी अच्छी हेयर स्टाइल ना आपकी इसमें हो जाएगी, और मतलब बैलेंस करके हीट देगा, लेकिन आपकी जो हेयर स्टाइल है बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत मस्त आपको जो वॉल्यूम वगैरह अपने बालों में मिल जाएगा। तो मतलब मान दो यार, है कमाल की चीज़ ये। तो ये थे इन दोनों में डिफरेंस, और मेरे ख्याल से और कुछ तो इसमें डिफरेंस है नहीं, और तो कुछ क्या ही होगा, छोटे बड़े का है, मतलब देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा लगता है और ये छोटा सा लगता है, और अगर हम इसको इसका डिफ्यूज़र यहाँ पर लगा दें तो ये और भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, और काफ़ी मज़ा आता है ऐसे मतलब स्टाइलिंग करने में। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से बंदों को ना कौन सा हेयर ड्रायर लेना चाहिए, और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से होते तो क्या आपको ये लेना चाहिए। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास बंदा कैसे लेगा इसको 20,000 का हेयर ड्रायर। तो बेसिकली यहाँ पर ना जस्ट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, और मतलब कभी कभार आप हेयर स्टाइलिंग वगैरह करते हो, बहुत कभी कभार जरूरत पड़ती है, तो यार मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको लो, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कभी कभार करते हो तो यार इसको ले सकते हो, ये आपके बालों को मतलब डैमेज तो करेगा, बट अगर आप इसे डैमेज से बचना चाहते हो तो उसके लिए आप 400 का जो हीट प्रोटेक्टर है ना वो ले सकते हो, और जब उसको लगा के आप हेयर ड्रायर यूज़ करते हो ना तो वो आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, कम डैमेज करेगा। तो अगर आप नॉर्मल कभी कभार यूज़ करते हो तो यार ये वाला बेस्ट है, 800 में काम नहीं पड़ जाएगा, 20,000 की जरूरत नहीं है आपको। और अब अगर हम बात करें कि यार जो हेयर ड्रायर है वो किन बंदों के लिए इफेक्टिव है, तो यार अगर आपका बहुत बड़ा कोई सैलून है, और अगर आप अपने उस कस्टमर को प्रायोरिटी देते हो बहुत ज़्यादा, कि मतलब हमारे जो कस्टमर है वो हमारे भगवान है, मतलब होते ही हैं, और अगर आप उनको प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देते हो, और आप चाहते हो कि उनके जो बाल है बिल्कुल डैमेज ना हो, और आप अपने सैलून की अच्छी पहचान बनाना चाहते हो, तो जस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे जो आपके कस्टमर के हेयर है बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने वाले, और प्लस इसी वायर की वजह से ना आपका जो कस्टमर है वो लास्ट में बैठा होगा ना आपके सैलून के, तब भी मतलब आराम से चला जाएगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, और मतलब अगर आपका सैलून बहुत अच्छा खासा है, बड़ा सैलून है, अगर आप कोई अच्छा हेयर ड्रायर ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बट अगर आप नॉर्मल घर में इसको यूज़ करना चाहो, और अगर आपके पास पैसे फट रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज मतलब इतने में काम निपट जाएगा आपका। और यार जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना वो ये मतलब 800 का हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करते, वो महंगे हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं 20,000 का 30,000 का, क्योंकि उनको डेली यूज़ करने की जरूरत पड़ती है, और जिससे कि उनके जो हेयर है वो डैमेज भी नहीं होते, तो उस टाइम पर ना वो ऐसे हेयर ड्रायर को प्रीफर करते हैं। That's all. तो फाइनली वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, और यार मतलब इतना महंगा हेयर ड्रायर लेके आया हूँ तो वीडियो लाइक करना तो बनता ही है। और अगर इस चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर अभी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना, और इंस्टाग्राम पर आगे फॉलो करना, बहुत मजा आने वाला है, बकचोदी वगैरह करते रहते हैं और फालतू इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह घेर देता हूँ मैं। तो बस हमें जरूरी है एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक लिए पीस आउट। भाई गिर गिर 20,000 का हेयर ड्रायर है, घर चला जाएंगे इसमें अगर कुछ हो गया तो।